हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टाइटल आपने पढ़ी लिया होगा, दिस इज़ गोना बी अ वीडियो अबाउट अ डे इन माय लाइफ एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट। तो सुबह मैं लेट उठा था रेडी होने के बाद, और मुझे याद आया था कि मुझे एक डे इन लाइफ की वीडियो बनानी है। और ये मैंने अपने रूम में पता नहीं क्या नया एक डेकोरेटिव पीस लगाया था, अम्ब्रेला से बनाया है। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, 8 बजने वाले हैं, मुझे 8 तक कॉलेज पहुँचना था। पहली क्लास ECE की है और पता भी नहीं कौन से सब्जेक्ट की होगी, जाके देखते हैं हमारा ग्रुप कहाँ है। पिछले एक महीने से मैं हर दिन कॉलेज लेट पहुंच रहा हूँ और निकल ही नहीं पाता हूँ टाइम से। बट और आज तो ECE की भी है, ECE की क्लास इज अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। तो 3 घंटे की क्लास होती है सैटरडे को 8 से 11, जिसमें मोस्टली हमें एक किसी भी डिसीज़ के बारे में बताया जाता है। 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो तीनों की अलग अलग ECE होती है, बट आज मुझे पता नहीं किस सब्जेक्ट की ECE है, तो वहाँ जाके कन्फर्म हो पाएगा। जाते ही पता चला था कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट की ECE होने वाली है, और ऑल्दो मैं लेट था बट बाकी सब भी लेट थे। सो द टॉपिक वाज गोना बी प्लूरल एफ्यूजन। अलग अलग एडवेंचर से गुजरेंगे। सो दिस इज़ नॉट द लेक्चर थिएटर जिसमें एक टाइम पे 150 लोग आते हैं, इट इज़ द DR और डेमोन्स्ट्रेशन रूम ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट जिसमें 50 स्टूडेंट्स ही आते हैं। ऐसे ही तीनों डिपार्टमेंट्स के अपने DR हैं जिनमें रोटेशन चलता रहता है। सो आगे सर प्लूरल एफ्यूजन पढ़ा रहे थे और इस साइड में अपना अलग से बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी भी रिवाइज कर रहा था। क्या ले रहे हो सबूत? दो अंडे का ब्रेड ऑमलेट। सबसे अच्छा क्या लगता है कैंटीन का? दो अंडे का ब्रेड ऑमलेट। और सबसे बुरा? एक अंडे का। आपको क्या लगता है सबूत भाई, हमारे कॉलेज की बेस्ट चीज़ क्या है? दो अंडे का ब्रेड ऑमलेट। गोपाल अभी कहाँ है, सत्रह के आ गया। क्या नाम है इसका? गोपाल। NIT ECE में हमें जल्दी छोड़ दिया था तो करने के लिए कुछ था नहीं, और इसलिए हम लेक्चर थिएटर आ गए थे और वहाँ पे थोड़ा पढ़ने लग गए थे। थोड़ा बहुत ही पढ़ पाए, बाकी ज़्यादा आप देख सकते हो बात ही ज़्यादा कर रहे थे। एक घंटा LTE पढ़ने के बाद ECE में हमें जल्दी छोड़ दिया था। पढ़ाई तो कुछ नहीं, फालतू की बात ज़्यादा हुई थी। उसके बाद हम जा रहे हैं DH डायसेक्शन हॉल, और डायसेक्शन हमारा कराया नहीं है इन्होंने कई दिन से। कुछ नहीं बोले भाई, डायसेक्शन कराया नहीं है, हर दिन कोई ना कोई कॉम्पिटिशन या कुछ कराते रहते हैं। आई होप सो आज डायसेक्शन होगा। ये लॉकर नंबर 15 खुलेगा थोड़ी ना तुमसे। ये प्लस ये कैडेवर्स हैं और ये लाइट। नाउ वाज द टाइम टू डिसेक्ट द कैडेवर और द डेड बॉडी, एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग इन दिस होल कॉलेज। आई जस्ट लव इट, आई लव इट मोर देन एनी थिंग। एंड बाई लक क्लास में सबसे ज़्यादा डायसेक्शन करने वाला स्टूडेंट भी मैं ही हूँ। के बीच में हम इन्वायरमेंट डेवलपमेंट देखते हैं। ये फर्निया का वो हुआ था, देखिए यानी सबने ये भी ऐसा ही है। हां टेंशन सी का राजा आ गया भाई, थोड़ा फुटेज मार दियो उसको। भाई लोग मुझे टोकने लगे, तुम हर वीडियो में ये क्यों कर रहे हो? क्या बात
ब्लिंक नहीं करना था, बहुत बुरा था, ब्लिंक कर दिया। लीनियल बात आ गया। इस ब्रदर हम आज होने वाले हैं फेमस रूप से, बाकी आज हमने डायसेक्शन किया इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, सारी लेयर्स निकाली, फेशिया वगैरह, और यहीं तक पहुँच गए एब्डोमिन के अंदर, फेस्टोम लिगामेंट और ये सब। अच्छा था, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड दिस इज द डायसेक्शन हॉल ऑफ आवर एनाटॉमी डिपार्टमेंट। तो मोस्टली तो हमें डायसेक्शन करने को नहीं मिलता है, बेड की डायग्राम भी बनाते रहते हैं बट टुडे वी विल डू। और कोई इंसिडेंस, हम दोबारा कैंटीन आए, दोबारा सबूर मिल गए। अब क्या अच्छा है कॉलेज का सबसे अच्छा? पास्ता। और कैंटीन का सबसे बुरा? पास्ता। ये इसकी जरा सी चार पास्ता खाने में खुश हो रहा है, हो गया इसका लंच और मेरा है 56 भोग। क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे इसको? आधा घंटा बचा है लंच का, ये आने वाला है ब्लॉग में। कितनी फुटेज मिली आज तक मेरे ब्लॉग में? ये एस्थेटिक शॉट्स ऑफ अजीब सा डाइट का खाना, ये बिस्किट इग्नोर। फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ईट एज हेल्दी एज आई कैन, कॉज मैंने जिम भी स्टार्ट कर दी थी फॉर द वेट लॉस, एंड डेढ़ दो घंटे मैं डेली का जिम जा रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कि कम से कम कैलोरी वाला खाना खाऊँ, तो वाटरमेलन मूंग यही है ऑप्शन। मेरी कैल लैब है और इसकी ह्यूमन लैब, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, बस अटेंडेंस की वजह से जा रहे हैं। एंड दिस इज़ आर कैल लैब CAAL, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड एम्फीबियन लैब, जिसमें पहले मेंढक काटे आते थे बट अब रीसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ भी मेंढक काटने का काम नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ हमें वीडियोज़ दिखा दी जाती हैं, लेक्चर दे दिया जाता है, हमें फ्रॉग फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है जो काफ़ी हद तक ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैच करती है। और मैं अपना काम कर रहा हूँ लिखने का, जितना भी पूरा फाइल कंप्लीट करनी थी, कॉज मेरा काफ़ी सारा काम बच रहा था, लाइक 25 एक्सपेरिमेंट्स में से मेरे 8-9 ही हुए थे, बाकी सारे मुझे एक दो दिन के अंदर लिखने थे। और यू वॉन्ट बिलीव MBBS में काफ़ी लिखना होता है, आई यूज़ टू अर्लियर थिंक कि इतना लिखने का नहीं होता, ज़्यादा फाइल वगैरह नहीं बनानी होंगी, बट भाई बहुत लिखना है। दिस इज़ द लेक्चर पार्ट ऑफ कैल लैब, जिसमें हमें आज उस दिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में बताया जा रहा था। भाग कहाँ रहे हैं? एग्जाम आ रहे हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा, लाइब्रेरी चलना है, आपकी शक्ल आ भी नहीं रही है, बुक बैंक चलो। 4 बजे के बाद मैं बुक बैंक गया था, अराउंड 4 से 6 तक, 2 घंटे। और लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, कॉज फ़ोन चलाने में शर्म आती है, बाकी लोग आपको देख रहे होंगे, और मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था ये वीडियो अपनी रिकॉर्ड करने में भी, बट बेशरम हो गया था मैं। बुक बैंक से फ्री हो गया हूँ मैं और जा रहा हूँ घर, घर के तुरंत बाद जाना है मुझे जिम, एंड मैनेज नहीं हो रहा है टाइम, बट कोशिश करूँगा कॉज एटलीस्ट व्लॉग बनाने के लिए तो कर ही लूँ, बाकी आपको क्या पता चल रहा है मैं नॉर्मल डेज में क्या करता हूँ। लौटते टाइम आसमान इतना ज़्यादा अच्छा था, घर जाते ही मैंने थोड़ा खाना खाया और आ गया जिम। जिम में आई हैव अ सिंपल रूटीन, मेरा टारगेट होता है 1 घंटा कार्डियो करना और 1 घंटा वेट लिफ्टिंग करना। उस दिन मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था, अराउंड 40 मिनट्स मैंने क्रॉसवॉक किया था एट हाइएस्ट 15 रेजिस्टेंस एंड 705 कैलोरीज चली गई थी। उसके बाद मैंने ट्रेडमिल एंड साइकिलिंग की, देन शोल्डर्स किए थे, शोल्डर्स की काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए बस वो मेरा एंड था और मैं घर आ गया था। दिस इज़ आवर जिम बाहर से, और घर आती मैंने देखा कि हमारे दोनों जो कछुए हैं, ऑल्दो 4 हैं, उनमें से 2 एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। घर आते ही मेरा पहला काम होता है नहाना, उसके बाद मैं फ्री होता हूँ 2-3 घंटे, कुछ भी करो मैं ऑल दो फ़ोन ही चलाता हूँ, बट व्लॉग के लिए मुझे थोड़ा प्रोडक्टिव बनना था इसलिए मैं बुक पढ़ने वाला हूँ। और ये मेरी फेवरेट आइटम है मेरे पूरे कमरे का, जो कि एक छोटा सा लैंप है जिसमें लाइट भी चेंज होती है, इंटेंसिटी भी चेंज होती है, और ये बुक पे अटैच भी हो जाता है, मैं अपने साथ ले जाता हूँ इसे हर दिन। बुक पढ़ने में मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, अराउंड मैं 1 घंटे में 20 पेज पढ़ लेता हूँ, एंड हाँ मैंने 1 घंटा पढ़ ही लिया था उस दिन वीडियो के लिए।
थोड़ा और टाइम बच रहा था तो मैंने सोचा था थोड़ी पेंटिंग करते हैं. दिस इज़ द पेंटिंग दैट आई एम मेकिंग एंड अभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना है. यहाँ मेरे ऑयल पेंट्स जो आधे ख़त्म हो गए हैं, ये मेरा पैलेट जो कि एक ग्लास स्लैब है, ये पेंटिंग नाइफ जो कि बेस्ट इन्वेंशन लगता है मुझे आर्ट वर्ल्ड का, और ये ब्रश होल्डर जो हम लाए थे मीशो से. एंड पेंटिंग तो मैंने बनाई नहीं, बस व्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. आई एम सून गोना मेक अ Q&A वीडियो. See you in the next one. Till then, bye-bye.